हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन आई एम मनदीप पाटीदार। टुडे आवर टॉपिक इज टॉपिक फर्स्ट क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी की हम बात कर रहे हैं। हॉस्पिटल और क्लिनिकल फार्मेसी में जो क्लिनिकल फार्मेसी वाला पार्ट है उसका पहले टॉपिक की हम बात करेंगे, इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस डेफिनेशन एंड स्कोप। डिप्लोमा फार्मेसी का ये आपका टॉपिक है और ये आपका सिलेबस है। तो यदि हम इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी की बात करते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी होती क्या है इस बारे में हम बात करेंगे। क्लिनिकल फार्मेसी इज ड्रग यूज कंट्रोल, मतलब क्लिनिकल फार्मेसी जो है ड्रग का जो यूज हम करते हैं उसको कंट्रोल करती है। कैसे बात करते हैं, द क्लिनिकल फार्मेसी इज ड्रग यूज कंट्रोल एंड द इफेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज स्किल्स एंड एथिक्स दैट अश्योर्स ऑप्टिमल सेफ्टी इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूजेस ऑफ मेडिसिन। क्लिनिकल फार्मेसी क्या है, ड्रग यूज कंट्रोल, ड्रग का जो यूज हो रहा है उसको कंट्रोल करती है और उसी के साथ ही साथ क्या करती है, इफेक्टिव एप्लीकेशन करती है। किस चीज का, नॉलेज स्किल्स इथिक्स और ऑप्टिमल क्या प्रोवाइड करती है, अश्योर करती है कि ऑप्टिमल सेफ्टी किस किस चीज में हो, सेफ्टी रहे किस चीज में, डिस्ट्रीब्यूशन में और मेडिकल मेडिसिन के यूज में। जब पेशेंट यूज रहा तो सेफ्टी का पर्पस देखा जाता है, इसी को हम बोलते हैं क्लिनिकल फार्मेसी। इट हैंस इंश्योर द पेशेंट मैक्सिमम वेलबींग वाइल ही इज ऑन ड्रग थेरेपी। भाई जब पेशेंट ड्रग थेरेपी है तब उसकी वेलबींग की जो बात करेंगे वो मैक्सिमम हो। डेफिनेशन की यदि बात करेंगे तो क्लिनिकल फार्मेसी इज द ब्रांच ऑफ फार्मेसी विच डील्स विद वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग एंड एडवाइजिंग पेशेंट ऑन द सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। मतलब क्या हुआ कि क्लिनिकल फार्मेसी एक फार्मेसी का ब्रांच है जो क्या करता है, बहुत सारे उसके एस्पेक्ट हैं उसमें काम करता है, पेशेंट की केयर मुख्य इसमें है, उसके बाद डिस्पेंसिंग करता है मेडिसिन की, मेडिसिन डिस्पेंस करेगा, पेशेंट को एडवाइस करेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट और क्या करेगा, किस चीज के बारे में, सेफ और रेशनल यूज ऑफ ड्रग इसके बारे में एडवाइस करेगा। अब एम क्या है, एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी, एम ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की बात करेंगे तो टू असिस्ट द फिजिशियन इन डूइंग अ बेटर जॉब ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर द पेशेंट। क्लिनिकल फार्मासिस्ट या क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, फिजिशियन को असिस्ट करते हैं किस चीज के लिए, उसकी जॉब में वो ड्रग जो पेशेंट को प्रिस्क्राइब कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, उसमें कैसे इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। टू असिस्ट मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ, एक तरफ तो फिजिशियंस को उसने सपोर्ट किया है, असिस्ट किया है, वहीं पे साथ ही साथ मेडिकल और पैरामेडिकल जो स्टाफ है, नर्स वगैरह है, उनको भी असिस्ट करता है। कैसे, डॉक्यूमेंटिंग करता है मेडिकेशन का, इससे क्या होता है इंसिडेंट्स करेक्टली। मतलब पैरामेडिकल मेडिकल स्टाफ तो रखते ही इसको, जैसे डॉक्टर लिख के गया तो पैरामेडिकल स्टाफ क्या करता है, नर्सेस वो दवाई बुलवाएंगे पेशेंट के अटेंडेंट से और उसके बाद क्या होता है, अटेंडेंट पेशेंट वो लाके देगा दवाई और वो देंगी, तो वो रिकॉर्ड रखती साथ ही साथ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी वो रिकॉर्ड रखता है। तो क्लिनिकल फार्मेसी हेल्प करती है यहाँ पे टू मैक्सिमाइज द पेशेंट कंप्लायंस इन ड्रग यूज प्रोसेस, पेशेंट के कंप्लायंस को मैक्सिमाइज करने का काम करती है। क्लिनिकल फार्मेसी के स्कोप है, सॉरी एम है, आपके टॉपिक में आता है स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी। स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी की बात करेंगे तो क्लिनिकल फार्मेसी सर्विस आर कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस इन ऑल द हॉस्पिटल बिकॉज क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन सर्व एज ए गाइड टू फिजिशियन। हर हॉस्पिटल में जरूरी है, बहुत हेल्पफुल है, कैसे, फिजिशियन को गाइड करता है फॉर सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग। हमारे इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है इसका स्कोप, इतना ज़्यादा अभी तक क्या पता नहीं क्यों डेवलप नहीं हुआ, लेकिन यदि आप फॉरेन में जाएंगे तो वहाँ क्या होगा, एक फार्मासिस्ट डॉक्टर को गाइड करता है कि पर्टिकुलर ड्रग के क्या साइड इफेक्ट है, क्या यूज़ है, क्या रेशनल यूज़ है, किसके साथ दे सकते हैं। अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प टू अचीव इकोनॉमी इन द हॉस्पिटल बाय प्लानिंग सेफ ड्रग पॉलिसी। कैसे हेल्प करेगा, इकोनॉमिक में हेल्प करता है हॉस्पिटल की, कैसे, वो प्लान करता है सेफ ड्रग पॉलिसी, उसके बाद सजेस्टिंग मीन्स ऑफ रिडक्शन ऑफ वेस्टेज, जो एक्सपायरी हो रही है, वेस्टेज हो रहा है या किसी चीज़ का अल्टरनेट है, एक महंगी दवाई है एक सस्ती दवाई है, तो वो कौन बताता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, बाय प्रिवेंटिंग मिसयूज और प्रीफिलरेज ऑफ ड्रग, मिसयूज को कम करता है, ठीक है, और इन द प्रिपरेशन ऑफ बजट बाय फोरकास्टिंग फर्दर ड्रग नीड टू हॉस्पिटल।
जब भाई वो बजट प्लान होगा तब भी हेल्प करेगा कि जब ड्रग बुलानी है तो बहुत प्लानिंग के साथ बुलाना पड़ेगी, इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा नहीं हो तो वो प्लान के साथ हॉस्पिटल को मदद करता है बेस्ड अपॉन देयर ड्रग यूटिलाइजेशन पैटर्न। मतलब अब आपके यहाँ मेडिसिन हॉस्पिटल में दवाइयाँ तो सब चाहिए, लेकिन सपोज करो किसी हॉस्पिटल में सिफेक्जिम की डिमांड 10 बॉक्स की है और सेप्टोडॉक्सिम 20 बॉक्स बिकता है, या हम बोल सकते हैं एमोक्सिसिलिन 20 बॉक्स बिकता है, तो अब 10 बॉक्स की डिमांड है तो उसकी इन्वेंट्री के हिसाब से वो 12 या 13 बॉक्स बुला लेगा, लेकिन वहीं आप सेप्टोडॉक्सिम या एमोक्सिसिलिन जो 20 बॉक्स है तो उसको 30 बॉक्स बुलाएगा। लेकिन यदि आपके पास स्पेसिफिक जो एजुकेटेड फार्मासिस्ट नहीं है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट नहीं है, तो क्या है जो अनऑथराइज पर्सन यदि कोई ऐसा रहता है जो टेक्निकली साउंड नहीं हो तो वो क्या करेगा, अच्छा सबके 20-20 डब्बे बुला लो, तो या तो ऐसा हो गया तो फिर यहाँ पर सिफेक्सिम ज़्यादा हो गई, या फिर सबका बोलेगा 10-10 डब्बे बुला लो तो सेप्टोडॉक्सिम कम हो गया, तो इस तरह से ये एक प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए जो है जो ड्रग यूज पैटर्न है उसके आधार पर क्लिनिकल फार्मासिस्ट ऑर्डर पुट करता है। अब बात करेंगे तो क्या क्या कर सकता है और क्लिनिकल फार्मासिस्ट स्कोप क्या है, हेंस स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मासी इज आउट ऑफ अटमोस्ट एप्रिशिएशन इन द फॉलोइंग एरिया। ड्रग इन्फॉर्मेशन, एक क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर को ड्रग इन्फॉर्मेशन देता है, नई नई ड्रग क्या है, पुरानी ड्रग है उससे क्या इफेक्ट होता है, क्या नहीं होता, उसमें क्या चेंजेस हो गए, जैसे निमोसुलाइड हमारे यहाँ बच्चों में बैन हो गई, 12 साल से कम उम्र के बच्चों को हम निमोसुलाइड दे नहीं सकते, बहुत समय से सेरोसोपेप्टाइडेस आ रहा है, तो अभी कुछ स्टडी ऐसी आ रही है कि सेरोसोपेप्टाइडेस स्वेलिंग में कोई काम ही नहीं करता, वो प्लेसिबो का काम करता है, तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट डॉक्टर को देगा। ड्रग यूटिलाइजेशन, ड्रग का यूटिलाइजेशन कैसे करें, यदि कोई ड्रग नहीं है तो दूसरी कैसे दे, या जो ड्रग हमारे पास है उसको कैसे यूटिलाइज करें। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्लिनिकल फार्मासिस्ट ध्यान रखेगा कि फार्मेसी से डिस्ट्रीब्यूशन वार्ड में और बाहर आउट पेशेंट के लिए ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हो, ड्रग सिलेक्शन कैसे हो, किस तरह का एरा चल रहा है, किस सिनेरियो चल रहा है, उसमें ड्रग सिलेक्शन, ड्रग इवोल्यूशन का काम करता है, आपने किसी पेशेंट को दी है तो वो इवोल्यूएट करेगा और उसके साथ क्या करेगा, फार्मेसी एजुकेशन एंड टीचिंग, फार्मेसी एजुकेशन करेगा, लोगों को समझाएगा फार्मेसी क्या होती है, जो उसके अंडर में काम कर रहे हैं उनको सिखाएगा और टीचिंग देगा फार्मेसी के स्टूडेंट का। अब ये आपके सिलेबस में नहीं है पर कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको क्वालिटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट भी पता होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटी क्लिनिकल फार्मासिस्ट में होना चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी जो हर किसी में होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल मतलब द क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विद द पेशेंट एंड को प्रोफेशनल्स फ्रीली एंड इफेक्टिवली। उसका कम्युनिकेशन स्किल ऐसा होना चाहिए कि वो जो पेशेंट है उसको भी डिजीज के बारे में, ड्रग यूज के बारे में समझा सके, पता पड़े आपका कम्युनिकेशन, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का कम्युनिकेशन ठीक नहीं है और वो जब कम्युनिकेट कर रहा है कोई चीज या कोई बात किसी पेशेंट को बता रहा है और वो उसको पेशेंट को बोलना था 3 टाइम लो और पेशेंट को समझ में आया 2 टाइम लो, तो अंडर डोज ड्रग चली जाएगी, तो इसलिए उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत साउंड होना चाहिए। साथ ही साथ वो किसको, को प्रोफेशनल्स को बता रहा है, मतलब डॉक्टर्स को समझा रहा है, जब डॉक्टर्स को समझाएगा या नर्सेस को समझाएगा, पेरीमेडिकल स्टाफ को समझाएगा, तो उसका कम्युनिकेशन इफेक्टिवली होना चाहिए ताकि उसकी बात इजीली लोग समझ सके। क्लिनिकल स्किल की बात करेंगे, द क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड हैव थरो नॉलेज अबाउट इटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज, साइंस, सिम्टम्स, पैथोफिजियोलॉजी, लेबोरेटरी टेस्ट, फार्माकोकाइनेटिक एक्सेट्रा। मतलब आप जब क्लिनिकल स्किल्स की बात करेंगे, जब क्लिनिकल स्किल में जब डॉक्टर फार्मासिस्ट काम कर रहा है उसका नॉलेज कैसा होना चाहिए, उसको डिजीज की इटियोलॉजी मालूम होना चाहिए, क्या साइन और सिम्टम्स उसको पता चलना चाहिए कि क्या इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो कौन से बैक्टीरिया का है, ये सिम्टम्स कौन सा है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसी है, किस तरह से ये बैक्टीरिया होता है, लेबोरेटरी टेस्ट आ गई अब उसको रिपोर्ट पढ़ना ही नहीं आ रही तो प्रॉब्लम है, इसलिए लेबोरेटरी टेस्ट मालूम है उसको क्या देना है, जैसे टाइफाइड है, अब टाइफाइड में सोच रहा है क्या दूँ एंटी मलेरिया की टेस्ट करा दी, नहीं विडाल कराना है, नहीं कराना है, ये उसको पता होना चाहिए, जो ड्रग दे रहा है उसकी फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक एक्टिविटीज को पता होना चाहिए, किस तरह से देंगे, इसका ओरल एब्जॉर्प्शन कैसा है, आईवी कौन सी ड्रग दे सकते हैं, ये सब उस क्लिनिकल फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। ही शुड बी क्लिनिकली ट्रेन फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ऑन रेशनल ड्रग यूज, रिलेटेड ड्रग थेरेपी एंड फॉर रिव्यूइंग ड्रग डोज, उसको सब
पता होना चाहिए। अब यदि सपोज करो कोई ट्रीटमेंट उसने दिया, कोई ड्रग दी, उस ड्रग देने के बाद उसको रेशनल ड्रग का भी पता होना चाहिए, ड्रग का रिव्यू भी उसको मालूम होना चाहिए, ड्रग डोज को रिव्यू कैसे कर सकते हैं, किस तरह से आप उसको ड्रग दोगे, ड्रग का डोज कैलकुलेशन क्या है, ये क्लिनिकल फार्मासिस्ट को सब पता होना चाहिए। प्रोफेशनल रिलेशनशिप, प्रोफेशनल रिलेशनशिप की बात करेंगे तो ही शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट द रोल ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल स्टाफ वेयर एवर पॉसिबल। उसको पता होना चाहिए मेडिकल और पैरामेडिकल स्टाफ का क्या काम है और उसके साथ साथ उनको उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये नहीं कि मैं क्लिनिकल फार्मासिस्ट हूँ तो मैं ही सब जानता हूँ, नहीं, आप साथ में काम कर रहे हैं। ही मस्ट एकम्पनी फिजिशियन और मेडिकल राउंड टू असिस्ट हिम बाय प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन। जब आपका डॉक्टर राउंड पे आता है तब क्लिनिकल फार्मासिस्ट उसको असिस्ट करेगा और उसको बताएगा कि मैंने इसको क्या, आपसे जब डिस्कस हुआ था तो हमने ये ड्रग दी और ड्रग के बाद इसमें ये चेंजेस आए, इसमें इतना इम्प्रूवमेंट है, ड्रग इन्फॉर्मेशन, ये ड्रग दी थी तो इसका एब्जॉर्प्शन ऐसा, इसका कंट्राइंडिकेशन ऐसा है, ये इसके साथ पर्टिकुलर ड्रग के साथ कंट्राइंडिकेटेड है, ये सब वो बताएगा। द फिजिशियन फार्मासिस्ट एंड नर्स शुड बी डेवलप एन इंटर प्रोफेशनल रिलेशनशिप विच ईच अदर टू एनहांस द क्वालिटी ऑफ पेशेंट केयर। क्लिनिकल फार्मेसी का मेन मोटो क्या है, पेशेंट केयर को इन्हांस करना। पेशेंट केयर इन्हांस कैसे होगी, ये एक इंटर रिलेशनशिप रखेंगे, प्रोफेशनल इंटर रिलेशनशिप किसके पास, नर्स, फार्मासिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट और डॉक्टर के बीच में। एम्पैथी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट शुड पजेस अ डीप सेंस ऑफ शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स मेडिकल केयर ऑफ पेशेंट। उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको मालूम होना चाहिए, वो पेशेंट के लिए अपनी मेडिकल केयर जो पेशेंट की करना है वो उसको मन लगा के करना चाहिए। इट विल हेल्प हिम टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री एंड गेनिंग पेशेंट कॉन्फिडेंस। अब क्या होगा, वो इस तरह से रिलेशन बनाएगा, इससे क्या होगा, पेशेंट उस पर भरोसा करेगा, फेथ करेगा, जिससे क्या होगा कि वो पेशेंट से उसकी मेडिकल हिस्ट्री निकाल लेगा, भाई आपने क्या क्या पहले लिया था, ठीक है, और पेशेंट का कॉन्फिडेंस इस तरह से फार्मासिस्ट पे बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो मेडिकल हिस्ट्री की बहुत टाइम पे पेशेंट छुपा लेता है कि उसने क्या दवाई ली क्या नहीं ली, किसी डर से, शर्म से, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या है, वो इस तरह से संबंध बनाए कि सब जानकारियाँ निकाल ले। मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी, नर्सेस अपना काम करेंगी, पैरामेडिकल स्टाफ अपना काम करेगा, उसके बावजूद यदि क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपॉइंट है तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट का ये दायित्व तो बनता है कि ड्रग थेरेपी जो है उसको मॉनिटर करें। क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी बिकॉज इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस एंड कीप ऑन चेंजिंग डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन। ठीक, अब क्या होगा, आप नर्सेस क्या करेंगी, नर्सेस एक्चुअल में क्या है, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन दिया, राउंड पे आया, डॉक्टर ने बोला इसको इस तरह से ट्रीट करना है, नर्सेस वो सब बिल्कुल अपनी ड्यूटी प्रॉपरली करेंगी, डॉक्टर का जो प्रिस्क्रिप्शन है उस तरह से वो दवाई देती रहेंगी। लेकिन क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम क्या है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट का काम ये है कि जो ड्रग थेरेपी चल रही है उसको प्रॉपरली वो मॉनिटर करे। प्रॉपरली मॉनिटर करने के बाद क्या चेंजेस है क्या चेंजेस नहीं है वो डॉक्टर से डिस्कस करे। वो अपने हिसाब से चेंज नहीं करेगा, लेकिन कैसे करेगा, वो डॉक्टर से बात करेगा, पेशेंट की कंडीशन क्या है, पेशेंट रिकवर हो रहा है क्या, कंडीशन वर्स्ट होती जा रही है और बेकार होता जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कौन देखेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, कैसे, मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी करके। अब रोल ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट इन हेल्थ केयर टीम या हेल्थ केयर सिस्टम, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है या हमको पता होना चाहिए कि हेल्थ केयर में क्लिनिकल फार्मासिस्ट का क्या रोल है। टेकिंग मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, सबसे पहला यही काम है कि अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट मस्ट टेक एंड मेंटेन द मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट बाय इंटरेक्टिंग विद हिम। पेशेंट से संबंध बनाएगा, पेशेंट से व्यवहार करेगा, पेशेंट को समझाएगा, फिर उससे उसकी क्लिनिकल हिस्ट्री निकालेगा। ही शुड डॉक्यूमेंट द हाइपर सेंसिविटी और ऑल एलर्जी टू द सर्टन ड्रग, फूड हैबिट्स, ड्रग डिपेंडेंस और इंटॉक्सिफिकेशन विद केमिकल साइड इफेक्ट ऑफ सम ड्रग्स, इनकरेक्ट ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा। अब जब आप पे फेथ हो गया पेशेंट को, फिर पेशेंट से आप पूछेंगे, फिर वो अपनी ड्रग एलर्जी के बारे में बताएगा, कोई किसी को सल्फोनामाइड से, सल्फा ड्रग से बहुत ज़्यादा एलर्जी होती है, इस तरह से कोई एलर्जी बताएगा, या उसकी फूड हैबिट क्या है, उसको ड्रग कौन सा लेने की हैबिट है, कुछ ऐसे केमिकल से उसको कोई प्रॉब्लम है, या उसने गलती से कोई दूसरा ड्रग खा लिया, या एक से दो बार उसने एक ही टेबलेट खा ली थी, ये सब चीज़ कौन पता करेगा, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। दिस विल हेल्प इन सेविंग फिजिशियंस एफर्ट्स एंड विल रिजल्ट द फास्टर एंड मोर इफेक्टिव। इससे क्या फ़ायदा होगा, फिजिशियन अपना काम करता रहेगा, उसके पहले क्लिनिकल फार्मासिस्ट ने सारी डिटेल ले ली, फिर वो डॉक्टर के सामने बोल देगा कि ये कंडीशन है इस पेशेंट की,
तो उससे डॉक्टर का समय भी बचेगा और डॉक्टर को इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं इसको क्या प्रेस्क्राइब करूँ। ड्रग इंट्रैक्शन, मेनी ओटीसी ड्रग हैव पोटेंशियल टू इंट्रैक्ट विद प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। आफ्टर रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट चेक द ड्रग इंट्रैक्शन एंड पेशेंट हैबिट विद द हेल्प ऑफ पेशेंट हिस्ट्री रिकॉर्ड। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत सारी सोचने में यह आती है, कुछ मेजर प्रॉब्लम तो ऐसी है जैसे कोई डायबिटिक पेशेंट है, कोई किडनी का पेशेंट है, कोई कार्डियक पेशेंट है, ये पेशेंट तो क्या बोलते हैं डॉक्टर को जाके बता देंगे कि सर, या डॉक्टर भी इनसे पूछ लेता है कि मैं डायबिटिक हूँ, मैं कार्डियक हूँ, है ना, या मैं किडनी का पेशेंट हूँ, तो डॉक्टर ड्रग लिखते समय कुछ सोच लेगा। लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास, कि जनरली उसको पेन किलर लेने की आदत है। कुछ मजदूर हैं जो दिन रात पेन किलर खाते हैं, या कोई घर में आपके बुजुर्ग होगा वो पेन किलर खाता है, किसी का आर्थराइटिस है, उसने डॉक्टर को नहीं बताया कि मैं आर्थराइटिक ड्रग ले रहा हूँ। अब इस समय डॉक्टर ने जो उसका ट्रीटमेंट किया लिख दिया, अब जो कुछ ओटीसी वो ड्रग ले रहा है, पेन किलर ले रहा है, अब कुछ एक ऐसी ड्रग ऐसी है जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकती है, यहाँ पर फार्मासिस्ट काम करेगा। और यहाँ पर जब क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास उसकी हैबिट और उसका डाटा रहेगा, जो हमने पहले बात करी कि ड्रग इन्फॉर्मेशन वो पेशेंट की निकालता है, तो वो पता कर लेगा कि ये जो दो ड्रग डॉक्टर ने, एक डॉक्टर ने लिखी और एक ये ले रहा है, तो इससे क्या हो रहा है, क्लेश हो रही है, एक दूसरे से इंटरेक्ट होगी, तो वो डॉक्टर से बात करता है। सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग थेरेपी, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन असिस्ट द सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर ड्रग प्रोडक्ट जेनेरिक फार्मुलेशन डिपेंडिंग ऑन द कंसिडरेशन ऑफ बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस ऑफ सच प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, ये क्या करेगा कि बायोइक्विवेलेंटी बायोअवेलेबिलिटी, हम एक वीडियो में बना चुका हूँ बायोअवेलेबिलिटी पे और बायोइक्विवेलेंस क्या होता है, उसमें आप जाके समझ सकते हैं। उसके आधार पर ड्रग को चेंजेस करने का काम कौन कर सकता है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट। ड्रग मॉनिटरिंग, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प इन मॉनिटरिंग ड्रग थेरेपी फॉर सेफ्टी एंड इफिकेसी। थेरापेटिक ड्रग मॉनिटरिंग इज वेरी इसेंशियल फॉर दोज ड्रग विच नैरो थेरापेटिक इंडेक्स और दोज विच आर एडमिनिस्टर्ड क्रॉनिकली। जो ड्रग बार बार किसी को दे रहे हैं उसका थेरापेटिक इंडेक्स बहुत कम है, यानी कि बहुत ही कम आपने दे दी तो प्रॉब्लम है, और जैसे ही थोड़ा सा डोज ज़्यादा दे दिया तो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिल जाती है। तो ऐसी ड्रग में ड्रग मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। इट कैन ऑल्सो हेल्प इन डिटरमाइन वेरियस फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स बेस्ड ऑन प्लाज्मा कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग, एंजाइम एंड मेजरमेंट ऑफ ग्लूकोज लेवल इन ब्लड। वो ग्लूकोज लेवल देखेगा ब्लड में, एंजाइम की क्या कंडीशंस है, ठीक है, प्लाज्मा में ड्रग का कितना कंसंट्रेशन है, ये सब चीज़ें आप यदि बी फॉर्म करेंगे तो वहाँ पढ़ने में मिलेगा कैसे चेक करते हैं। लेकिन आपको ड्रग मॉनिटरिंग का मतलब ये है कि उसको पता रखना है, और जो नैरो इंडेक्स वाली ड्रग है, थेरापेटिक इंडेक्स वाली, उसका स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही थेरापेटिक इंडेक्स से ऊपर डोज गया तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम कॉज कर सकती है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, पेशेंट विथ हिपेटिक डिसऑर्डर और किडनी इंपेयरमेंट आर मोर प्रोन टू द एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जिसका लीवर कमजोर है, किडनी कमजोर है, उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन देखने के काफ़ी चांसेस हो सकते हैं। पेशेंट हैविंग मोर देन वन पैथोलॉजिकल कंप्लेंट विद मल्टीपल ड्रग थेरेपी जनरली फेस सच प्रॉब्लम। जो अभी हमने बात करी थी कि एक पेशेंट है उसको एक से ज़्यादा बीमारियां हैं, अब जब एक से ज़्यादा बीमारियां हैं तो उसको ज़्यादा दवाइयाँ चलेंगी। क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन हेल्प इन डिटेक्शन प्रिवेंशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन। ही कैन सजेस्ट फिजिशियन टू अल्टरनेट थेरेपी वेदर व्हेनेवर नेसेसरी। अब वो डाटा पूरा रहेगा क्लिनिकल फार्मासिस्ट के पास, उसकी पेशेंट की हिस्ट्री है, तो वो बोलेगा इसको अल्टरनेट ड्रग चेंज कर दो, फिजिशियंस को इस तरह से बोलेगा। मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉलिसीज, क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेटिंग हेल्थी एंड ड्रग पॉलिसी हैव सर्व एज अ सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड टू द पब्लिक। सोर्स का काम करता है, इधर से पूरे डाटा लेगा, डॉक्टर्स को देगा, डॉक्टर्स से पूरा डाटा लेगा, उसका यूटिलाइजेशन कैसे करेगा, पेशेंट काउंसलिंग करने में, इसलिए वो पब्लिक और इनके बीच में हेल्प का काम करता है, एक चेन का काम करता है। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मैनेजमेंट विच इंक्लूड देयर सिलेक्शन रिक्वायरमेंट प्रोक्योरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज। किस चीज़ के लिए मैनेजमेंट कर सकता है, पहले तो आप क्या कौन सी ड्रग सिलेक्ट करना है, उसकी रिक्वायरमेंट कितनी है, उसको प्रोक्योरमेंट कैसा है, उसको कैसे प्रोक्योर कर सकता है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, और पेशेंट उसको यूज़ किस तरह से कर रहा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, द क्लिनिकल फार्मासिस्ट कैन पार्टिसिपेट इन रिसर्च फॉर डेवलपमेंट ऑफ वेरियस फार्मुलेशन पर्टिकुलरली इन बायोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट। ही कैन हेल्प इन कंडक्टिंग क्लिनिकल ट्रायल्स बेस्ड ऑन साउंड प्रिंसिपल ऑफ बायोस्टैटिकल मेथड ऑफ इवोल्यूशन। वो रिसर्च में काफ़ी मदद कर सकता है, बायो अवेलेबिलिटी की ऑफ ड्रग की क्या है, फार्मुलेशन डेवलपमेंट क्या है, किस तरह से बायोस्टैटिकल डाटा
वो दे सकता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट ड्रग इंफॉर्मेशन. क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैज द नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज टू प्रोवाइड डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन मेडिसिन टू द मेंबर ऑफ हेल्थ प्रोफेशनल एंड द पब्लिक. भाई क्लिनिकल फार्मासिस्ट को ड्रग का पूरा नॉलेज है तो वो क्या करेगा, पब्लिक को भी जितना पब्लिक समझ सकती है जो बताना चाहिए उतनी चीज पब्लिक को बताएगा और डॉक्टर्स के साथ शेयर करेगा. थ्रू इफेक्टिव सिलेक्शन यूटिलाइजेशन एंड रिट्रीवल ऑफ ड्रग लिटरेचर ही कैन कम्युनिकेट विद हेल्थ केयर टीम. वो हेल्थ केयर टीम के साथ कम्युनिकेट करेगा. ही कैन एब्स्ट्रैक्ट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम पीरियोडिक बुलेटिन और न्यूज लेटर एंड प्रोवाइड द सेम टू द फिजिशियन और ऑन मैटर्स परटेनिंग टू फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनेमिक्स ऑफ ड्रग. क्या करेगा वो जो हेल्थ बुलेटिन है उसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, उसमें काम काम की चीज किसको देगा, फिजिशियंस को बताएगा फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक ड्रग की क्या है पर्टिकुलर ड्रग की. डेली रूटीन ड्यूटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट की क्या डेली रूटीन ड्यूटी हो सकती है. पहली असिस्ट इन फार्माकोकाइनेटिक्स कंसोलेशन विद नेसेसरी फॉलोअप. फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है और फॉलोअप क्या है. मॉनिटर ड्रग थेरेपी शेड्यूल. ड्रग थेरेपी शेड्यूल को मॉनिटर करता. टेक राउंड विद हेल्थ केयर टीम. हेल्थ केयर टीम के साथ जनरली डॉक्टर के साथ राउंड लेगा. टीचिंग फार्मेसी स्टूडेंट. फार्मेसी स्टूडेंट को टीच करेगा कैसे आपको अपना काम करना है. पेशेंट काउंसलिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट काम. पेशेंट काउंसलिंग का काम करता है. रिव्यू ऑफ हॉस्पिटल फार्मूलरी. हॉस्पिटल फार्मूलरी में रिव्यू करेगा, बताएगा चीजें. प्रिपरेशन ऑफ ड्रग मोनोग्राफ टू रिव्यू बाय फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी. ड्रग मोनोग्राफ को चेंज करेगा या बनाएगा. क्यों, किसके बाद रिव्यू होंगे, वो फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमेटी के द्वारा. तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया क्लिनिकल फार्मेसी का, जिसमें आपका टॉपिक नंबर वन इंट्रोडक्शन टू क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस डेफिनेशन एंड स्कोप. इसी के साथ मैंने आपको एम भी बता दिया, ऑब्जेक्टिव भी बता दिया और क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी क्वालिटी होना चाहिए क्लिनिकल फार्मासिस्ट में. तो हमारा टॉपिक यही खत्म होता. आपको यदि कुछ कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगा. थैंक यू.